प्रेगनेंसी रुकने के बाद बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और उन्हीं हार्मोन्स के कारण आपको प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके के बदलाव नज़र आते हैं। जैसे किसी को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, किसी के प्रेगनेंसी में हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ गए हैं और किसी के प्रेगनेंसी में खाने का स्वाद पूरी तरीके से चला गया है। साथ में इसके बहुत सारे चेंज होते हैं जो देखने को मिलते हैं। सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, पैरों में दर्द हुआ, तो ये आपने अनुभव किया उस सिम्टम्स को, इस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को आपने जिया, आप इसके कारण परेशान भी हुई, फिर आप ठीक भी हो गई। तो ये सारे प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं जिसके साथ आप जीती हैं, पूरे 3 महीने लगते हैं कई महिलाओं को इसे निकलने में, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होता है। लेकिन कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि शुरुआती दिन से लेके पूरे 9 महीने तक रहते हैं, और वो सिम्टम्स होते हैं आपके मेलनिन, एक हार्मोन्स होता है प्रेगनेंसी में, वो जितना बढ़ेगा उतना ही आपके जो कुछ ऐसे एरियाज हैं बॉडी के वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, उसके कारण उसमें बदलाव आएगा। तो मेलनिन एक हार्मोन्स होता है जो कि आपके डार्क एरियाज को और ज़्यादा डार्क कर देता है। प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको डार्क सर्कल नहीं था, जैसे मुझे प्रेगनेंसी से पहले इतना सा भी डार्क सर्कल नहीं था, और अब प्रेगनेंसी आने के बाद मेलनिन के बनने के बाद ये डार्क सर्कल दिखने शुरू हो गए हैं, तो डार्क सर्कल भी शुरुआती दिनों से मुझे दिखने शुरू हुए। 1 महीने के बाद से जब मैंने नोटिस करना शुरू किया कि इस तरीके से पैचेस क्यों आ रहे हैं, इस तरीके से डार्क स्पॉट्स क्यों दिख रहे हैं, तो मुझे पता चला कि ये मेलनिन के अधिक उत्पादन के कारण बॉडी में ये शुरुआती दिनों से ही डार्क एरियाज जो हैं वो और डार्क होने लगते हैं। पहले वो डार्क नहीं दिखते थे, आपके स्किन के कारण छुपे हुए थे, आपके फेयर के कारण छुपे हुए थे, लेकिन अब वो दिखने शुरू हो गए हैं। सेम निपल्स में भी, निपल्स के कलर में काफ़ी चेंज नज़र आएगा। किसी महिला का निपल्स ब्राउन के ब्राउन रह जाता है, किसी महिला का काफ़ी इफेक्ट होता है और वो ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। निपल्स के ऊपर लेयर दिखना, ये लेयर प्रेगनेंसी में बनना शुरू हो जाता है, काले काले लेयर्स बनने लगेंगे। शुरुआती दिन से ही ये जो क्रियाएँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये शुरू हो जाती हैं। स्तनों का, ओवरऑल स्तनों का जो कलर है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, वो भी काफ़ी काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। डार्क स्पॉट्स जो हैं आपके फेस के, उसमें भी चेंज नज़र आएगा। किसी के डार्क सर्कल्स होने लगेंगे, किसी के अंडर आर्म्स काफ़ी काले हो जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के कारण ही होता है। आप चाहे कितनी भी दवाई कर लो, कितना भी कुछ क्रीम लगा लो, कितना भी केमिकल यूज़ कर लो, ये नहीं ठीक होने वाला है। हाँ, कुछ देर के लिए सही होगा, फिर आप रोकोगे, फिर वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। प्राइवेट एरिया में भी चेंज आएगा कि उसके भी कलर में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, डार्क होने लगेगा। बालों में जो पहले, अगर बाल आपके ब्राउनिश टाइप के थे नेचुरली, जिनके बाल काफ़ी ब्राउनिश थे बिना रंगे, उनके भी बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर जिनके बाल सही है, नॉर्मल हैं, उनके भी आप देखोगे कि बाल काफ़ी काले होने शुरू हो गए। तो ये सारा कुछ ही हार्मोन्स के कारण होता है और इन जगहों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इन जगहों पे आप केहूनी देख लो, घुटने देख लो, धीरे धीरे वो ब्लैकिश होने लगेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।